नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है एक बार फिर से आपका टीसीएच पर। आज सुबह जब मैं आतन दुनिया भर के अखबार पलट रहा था, दुनिया भर के अखबार ऑनलाइन देख रहा था, तो रॉयटर्स में एक खबर मिली जिसने मुझे चौंका दिया। आप जानते हैं सीएए दोबारा से लागू किया गया। चुनाव के ठीक पहले अमित शाह जी का बयान आया, पहले आया कि नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आएंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन टीवी पर आने और उनके कहने से पहले एक सरकारी बयान आया, वो टीवी पर तो नहीं आया। और सीएए पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत कायदे से आपको ये बात कही थी कि जानबूझकर वो टीवी पे नहीं आए, कि इस्लामोफोबिया को लेकर अभी दुनिया भर में बात चल रही है और उसमें अगर वो टीवी पे आके इस तरह की कोई बात करते हैं तो दुनिया भर में बदनामी हो सकती है। इस्लामोफोबिया पे मैं आपको बता दूं कि आज ही अमेरिका से दो बड़ी खबरें आई हैं। जो बाइडेन ने यह कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद दुनिया भर में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रही है, इस्लामोफोबिया का मतलब इस्लाम के नाम से नफरत, मुसलमानों के खिलाफ काम करना, ये उन्होंने कहा दुनिया भर में जिस तरह से फैल रही है वो खतरनाक है। और सिर्फ बाइडेन ने नहीं, ब्लिंकन ने भी ये बात कही है। तो अपने आप में एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो बयान सीएए को लेकर, खास तौर पे सीएए को लेकर यूनाइटेड नेशंस का आया है वो चौंकाने वाला भी है और समझने वाला भी है। यूनाइटेड नेशंस में पहले भी जब 2019 में सीएए को लेकर बात हुई थी, सीएए को लेकर आंदोलन चल रहे थे, तो यूएनएचआर है जो यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके बयान आए थे कि ये मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेट करने की बात है। आप जानते हैं कि सीएए में 2014 से पहले जो भारत में आए हैं विदेशी नागरिक, उनको नागरिकता देने की बात है, हालांकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गायब कर दिया गया है। बीच में चंद्रचूड़ साहब के बेटे का एक वीडियो आया था जिसमें वो सवाल उठा रहे थे कि आखिर बौद्धों का भी अपना देश है, हिंदुओं का भी अपना देश नेपाल रहा है, बाकियों का भी अपना देश रहा है, तो फिर केवल मुसलमानों को इस आधार पर कैसे अलग किया गया कि मुसलमानों के देश हैं। यानी एक ऐसा कानून जो आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो कानून लेके आया है ये सिर्फ मुसलमानों को बाहर करता है, क्रिश्चियंस को उसमें शामिल करता है, उसमें बौद्धों को शामिल करता है, हिंदुओं को शामिल करता है, यहां तक कि ईसाइयों को शामिल करता है, जिनके तो मुल्क ही मुल्क हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन मुसलमानों को बाहर करता है। तो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट के लिए जो यूएनएचआर बना हुआ है उसने बाकायदा बयान जारी किया है उसके प्रवक्ता ने, और कहा है कि भारत के अंदर ये जो सीएए बना है ये खतरनाक है और ये धार्मिक भेदभाव करता है। यानी प्रकारांतर से वो ये कह रहा है कि ये सांप्रदायिक कानून बना है। अब यूनाइटेड नेशंस का बयान आना इंपॉर्टेंट किस लिए है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यूनाइटेड नेशंस के बयान से बड़ा बयान जो है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो आप जानते हैं दुनिया में अब उसकी क्या हैसियत रह गई है, खासतौर पे इजराइल जिस तरह से फलस्तीन में लगातार कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं को जिस तरह से वो किनारे कर रहा है, लगातार यूनाइटेड नेशंस के बयान आते रहते हैं लेकिन इजराइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 4-4 बार मामला जा चुका है सीज फायर के लिए, हर बार अमेरिका वीटो लगा देता है। तो यूनाइटेड नेशंस को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो बयान दिया है, अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बाकायदा यह बयान दिया है कि हम नजर बनाए हुए हैं सीएए पर, और सीएए का कानून जो है वो धार्मिक समानता का जो कानून है कि हर धर्म के साथ एक समान बिहेवियर करेंगे, उस कानून का उल्लंघन लगता है। अब देखिए, पहली बात तो यह बता दूं कि इन खबरों को सुनकर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि इन खबरों से मोदी अपने डिसीजन से पीछे लौट जाएंगे या भारत में सब अच्छा हो जाएगा। इसके पहले भी, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे बाकी सारी चीजें हो, चाहे कश्मीर के साथ जो बिहेवियर किया गया, 370 हटाया गया, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, उसको लेके यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिका में और बाकी मुल्कों में ढेरों बयान आए हैं। ये बयानात होते हैं, इससे ज्यादा कार्यवाही की कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं देती है, हालांकि हो भी सकती है। इनका उपयोग किया जाता है जब आपकी बांह मरोड़नी हो, जब किसी मुद्दे पर आपसे असहमति हो और आपको अंगूठे के नीचे लाना हो, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं इंटरनेशनल कूटनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप जानते हैं कि अभी की स्थिति यह है कि भागकर इजराइल गए थे हमारे डोवाल साहब, अजीत डोवाल साहब,
और सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान आते रहते हैं, लेकिन बयान यह आया है कि पेगासस को लेकर कोई राज खुल न जाए, वो छुपाने के लिए अजीत डोवाल जो है इजराइल गए हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी के क्या स्रोत हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ही बता सकते हैं, जो इस सरकार के समर्थक रहे, एक समय में राज्यसभा के मेंबर रहे, काफी दिनों से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी और उनकी खुशी की अपनी वजहें होती हैं, तो उस पर तो मैं बहुत बात नहीं करूंगा। लेकिन इसराइल फलस्तीन की जंग के बीच जिस तरह से अमेरिका का रुख बदला है, अब अमेरिका के संसद के अंदर बयान आ रहा है कि नेतन्याहू जो है वो उसके टाइम पूरे हो चुके हैं और अब उसके जाने का मामला है, यानी असल में अमेरिका में है इलेक्शन, और अमेरिका के इलेक्शन में बिडेन की जो डेमोक्रेटिक्स हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, उनकी पार्टी को मुसलमानों का, अरबों का, प्रोग्रेसिव लोगों का, एक्टिविस्टों का, जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन इसराइल के चक्कर में इस बार वो समर्थन हाथ से जाता हुआ निकल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं, उनके वीडियोज आए हैं कि वो लोग कतई इस बार बाइडेन को वोट देने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में दुनिया भर का विरोध भी हो रहा है, यही वजह है कि इस्लामोफोबिया वाला वो बयान आया है। अब ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर सीए को लेकर जो घटना हुई है, और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले हुई है, इस पर भी जो वहां के मुसलमान हैं, बाकी लोग हैं, और खासतौर पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी को देखते रहते हैं, डेमोक्रेसी पर बात करते रहते हैं, ऐसे एक्टिविस्टों की आवाज उठनी तय है। इन्हीं एक्टिविस्टों की आवाज है जो यूनाइटेड नेशंस में लगातार पिटिशंस डालते रहते हैं, लगातार प्रेशर बनाते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस से यह बयान आया पहले, और उसके बाद अमेरिका से भी यह बयान आया है। इन बयानों से तुरंत कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आकर बोल दें कि अब जो है उनका वीजा बंद हो जाएगा और फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, यह सब कुछ नहीं होने जा रहा। भारत एक बड़ा मार्केट है और इसके साथ फिलहाल अमेरिका कोई दुश्मनी सीधी करने नहीं जा रहा, इस बात को आप समझ, और यूनाइटेड नेशंस इतनी आसानी से प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाता है। इसलिए अगर कोई आपसे यह कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, तो यह दिमाग से आप निकाल दीजिए। बात बस इतनी है कि मामला यह इंटरनेशनल बन जाएगा। अरब देशों के भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अरब देशों के भी गाहे बगाहे बयान आते रहे हैं, कभी लिंचिंग को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, और वहां की आवाम में और दुनिया भर में, मालदीव्स का तो आपने देखा ही है कि मालदीव्स से किस तरह से सेनाओं को निकाल दिया गया, भारत की सेनाओं को, बिल्कुल एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना हुआ है। जब मैंने मालदीव पे वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि ये सारी जो हरकतें हैं, लिंचिंग है, हमारे ट्रॉल्स का बिहेवियर है, इन सब के चलते वहां की जनता जो 85% मुसलमान है, उसके मन में ये भाव आना, और आजकल दुनिया जो है वो इंटरनेशनल है। आजकल ट्विटर, आप हिंदुस्तान में बैठ के, हिंदुस्तान के किसी गांव में बैठ के भी पोस्ट करते हैं तो उसको वाशिंगटन में बैठ के देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें देश के अंदर नहीं छुपी हैं, ये बाहर जा रही हैं। नंबर वन। नंबर टू, इसराइल को लेके भारत के ट्रॉल्स ने जिस तरह का समर्थन किया है, जिस तरह से उन कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला किया जाता है जो इसराइल की मुखालिफत करते हैं, जिस तरह से इसराइल का समर्थन किया गया, जुलूस निकाले गए, इन सारी चीजों की खबरें सारी दुनिया में पहुंची हैं, जिससे एक छवि ऐसी बनी है, एक तो इसराइल की अपनी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में गिरी है, और उसके पीछे पीछे हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी गिरी है। ऐसी खबरें आई कि इसराइल फलस्तीन को लेकर फेक न्यूज का अगर कोई सबसे बड़ा अड्डा है तो वो हिंदुस्तान है, यानी पूरी दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी गिरी है, सरकार की क्रेडिबिलिटी बेसिकली गिरी है। नंबर तीन, इस्लामोफोबिया एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान भगवान होते हैं, जहां मुसलमान भी बहुमत में है वहां से भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, जिसको देखकर समझ में आता है कि जो धर्म बहुमत में आता है वो दूसरों के साथ क्या करता है। लेकिन अभी की बात यह है कि फलस्तीन के मसले को लेकर पूरी दुनिया में फलस्तीनियों के साथ एक सहमति बनी है, एक सहानुभूति बनी है, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं। पूरी दुनिया में फलस्तीनी समर्थकों के खिलाफ हमले तेज हुए हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, कई कानून बने हैं, कई सारी चीजें हुई हैं। यही वजह है कि इस्लामोफोबिया को लेकर जो बाइडेन का भी बयान आया है, ब्लिंकन का भी बयान आया है, और इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए। आखिरी बात यह कि इन सब के बीच में जब आप सीए को अचानक चुनाव में लागू कर देते हैं तो पूरी दुनिया में एक मैसेज ये जाता है कि आप जो एक हमेशा से सेकुलर
कंट्री रहे हैं। भारत जो हमेशा से एक गैर सांप्रदायिक, एक मजहबी देश नहीं रहा है, जहां हर धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है, वो भी पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की तरह धीरे धीरे मजहबी मुल्क बनता जा रहा है। हमारे प्रेस की रैंकिंग गिरी है, प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग गिरी है, धार्मिक स्वतंत्रता की रैंकिंग गिरी है। यह सारा कुछ दुनिया में एक संदेश दे रहा है और लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं जो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है अथॉरिटेरियन सरकार होती जा रही है, ऑटोक्रेटिक सरकार होती जा रही है, और लगातार हिंदुस्तान की सरकार जो है वो मजहबी सरकार होने की तरफ बढ़ रही है। तो तुरंत में इसका असर नहीं पड़ेगा, तुरंत में मैंने आपको वो दुनिया की कंडीशंस बताई जिसके चलते ये बयान आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर पड़ना तय है। अरब मुल्कों के अंदर असर पड़ना तय है, हालांकि अरब हुक्मरान बिजनेस के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो स्टैंड बदलना पड़ता है, तो वहां पर बदलाव चेंज है। और ये तो है ही कि अरब मुल्कों के साथ जिस तरह के हमारे रिश्ते थे अब वो नहीं रह गए। ठीक है, आपका सऊदी अरबिया से बहुत अच्छा व्यापार होता है, आप जाते हैं यूएई जाते हैं, वहां आपको स्वागत मिलता है क्योंकि आपका मार्केट बड़ा है, उनकी आपको जरूरत है, लेकिन जिस तरह से वहां के मसाइल में हिंदुस्तान का हस्तक्षेप था, दखल था, वो लगभग खत्म हो गया है। इसराइल फलस्तीन के पूरे वार में हिंदुस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है। तो अरब मुल्कों के साथ आपके रिश्ते ऊपर ऊपर भले अच्छे दिख रहे हों, अंदर से उनमें दरार साफ है, जो अलग अलग बयानात जब आते हैं तो समझ में आती है। अमेरिका के साथ आप कहते हैं आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लगातार रिश्तों में गड़बड़ी आई है। कनाडा वाला मामला आपको मालूम होगा, कनाडा में कैसे आरोप लगाया गया कि भारत की जो एजेंसीज हैं वहां के एक नागरिक की हत्या करवाई है, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है। अमेरिका के अंदर यही आरोप लगा के हिंदुस्तानी जासूसी जो एजेंसी है उसके दफ्तर बंद करवाए गए। कनाडा के मामले पर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, पूरा यूरोप और अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हुआ। मालदीव ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और अब कंडीशन ये है कि श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, यानी आपके अगल बगल के जितने मुल्क हैं सबके रिश्ते चाइना के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। आपके रिश्ते चाइना के साथ लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसका एक सबूत तब मिला जब 370 का कभी बहुत जबरदस्त समर्थन करने वाले वांगचुक साहब जो हैं लद्दाख के, वो लगातार 7-8 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि आपके यहां के जो लोग थे गोरखा सैनिक, जो भारत की सेना में भर्ती होते थे, अब वो चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना में 3 साल का अग्निवीर मिलता है, चीन की सेना में बेहतर तनख्वाह मिलती है और पक्की नौकरी मिलती है, चीन लगातार आपकी जमीनें दखल किए जा रहा है। तो CAA को लेकर हासिल क्या हुआ मुझे नहीं पता है। मैं पहले बता चुका हूं कि CAA को लेकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2014 के पहले जो लोग आए हैं उन पर लागू होता है। लेकिन CAA की जरूरत क्या थी, हिंदुस्तान की सरकार के पास हमेशा से यह अधिकार था कि वो किसी को नागरिकता दे दे, और हिंदुस्तान की सरकार ने तो अदनान सामी को नागरिकता दी थी बाकायदा, जिनके बाप उस आर्मी के ऑफिसर थे जिसने हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो आप तो किसी को भी वैसे भी नागरिकता दे सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के कानून लाया गया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मन में डर पैदा करने के लिए, और अब्दुल की चूड़ी टाइट है इसका संदेश देने के लिए ये कानून लाया गया, जिसके चलते दुनिया भर में देश की इमेज खराब हुई। अभी फिलहाल कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में इसके असरात भी दिख सकते हैं, और सरकार देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में, देश के अंदर अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में पूरी दुनिया में देश का नाम भी खराब कर रही है और देश के लिए रास्ता मुश्किल भी कर रही है। इस खबर का फिलहाल इतना ही मतलब है, आगे कोई और डिटेल होगी तो फिर जुड़ूंगा और फिर करूंगा आपसे बात। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCH, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी ताकत बने रहेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर देश और दुनिया की सच्ची खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।